मैं वंदना से प्रारंभ करना चाहती हूँ। हे ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हमें गीत सुनाते हैं संगीत की शिक्षा दो। हे ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं संगीत की शिक्षा दो। सरस्वती मैया की जय। मेरा नाम विमला कुमारी पटेल है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स बैंकिंग में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान जनताराम पटेल है, मैं ग्राम करही बाजार में रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करही बाजार है। मैं बलौदा बाजार जिला और छत्तीसगढ़ राज्य में रहती हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम भूमिका होता है, क्योंकि इंसान इन्हीं के आधार पर अच्छा बुरा सही गलत का फर्क पहचानता है। इंसान की पहली पाठशाला उनका परिवार होता है, जहां उनको संस्कार मिलती है, और दूसरी पाठशाला उनका विद्यालय होता है, जहां उनको वहां से शिक्षा मिलती है। और परिवार समाज का एक अंग होता है। समाज, विद्यालय और परिवार, इन तीनों से मिलकर ही मानव का मूल्यों के स्वभाव का विकास होता है। मैं अपने स्कूल में हमेशा सीखी हूँ कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, सही रास्ते पे चलना और अपने सांस्कृतिक संस्कारों का सम्मान करना सीखी हूँ। मैं हमारे समाज में शिक्षा गढ़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारे समाज का वही नींव खड़ा करते हैं। वे हमें शिष्टाचार ही नहीं बल्कि सफलता का कार्य भी दिखाते हैं। वास्तव में हमारे समाज में उन महान व्यक्तियों के बिना हमारा समाज अधूरा है। मेरे पसंदीदा श्री चेतन उंद्रे सर जी हैं, जो हमें बैंकिंग पढ़ाते हैं, और मुझे बैंकिंग पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। वे हमेशा मुझे अच्छा प्रेरणा देते हैं। उनका धैर्य, उनके कार्य और उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही प्रेरित करते हैं। मैं उनके ही जैसा बनना चाहती हूँ। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, और शिक्षक बनने के कुछ कारण हैं। शिक्षक समाज, देश और परिवार के लिए एक बेहतरीन कार्य है। शिक्षक के पास सीमित समय होने के बावजूद भी वह अपने दोस्त और परिवार के साथ समय बिताता है। शिक्षक अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने बचपन को याद कर लेते हैं, अपने बचपन के यादों को ताज़ा कर लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मान्यताओं के आधार पर माँ दुर्गा देवी की 9 रूप होती हैं। उन 9 रूपों में से एक रूप हमें परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है, लेकिन यह हम नहीं जानते। हमें हमेशा कैसी भी परिस्थितियाँ, उन हर परिस्थितियों से डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि हम एक शक्ति कन्या हैं। मैं हमेशा खुद पर विश्वास रखती हूँ और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलती हूँ, और हमेशा कम समय पर अधिक कार्य कर लेती हूँ। हमें पता होना चाहिए कि कैसे कम समय पर अधिक कार्य कर लेना चाहिए, और हमेशा सच्चाई के राह पर चलना चाहिए। हमें हमेशा अनुशासनशील का पालन करना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और नौका से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश हमेशा करना चाहिए। क्योंकि कोशिश से अगर सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन उस कोशिश से तो हमें यह पता चल जाता है कि हम उस काम के लिए कितने योग्यता हैं। माँ दुर्गा देवी की आशीर्वाद बनी रहे। जय माता दी।